रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन कितना सही है, आइए देखते और अनुभव करते हैं मेरी अहमदाबाद से मुंबई की तेजस एक्सप्रेस में की गई यात्रा में। IRCTC द्वारा चलाई जा रही ये प्राइवेट ट्रेन है, बाहर से काफ़ी कलरफुल दिख रही है। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई सुबह 6:40 पर। स्टाफ ने कोरोना से सेफ्टी के हर प्रिकॉशंस लिए थे। हमने एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट लिया था जो करीब 2200 रुपये का था। ट्रेन के चलते ही हमारा स्वागत हुआ गुलाब की कली से। What's your name? Can you show your face? मास्क ने चेहरे की खूबसूरती और मुस्कान दोनों को कैद कर रखा था। कंपार्टमेंट काफ़ी साफ सुथरा था पर बाथरूम उतने साफ नहीं थे। खैर, इस गुलाब की कली ने हमारी सुबह में खुशबू भर दी। और अब आया है हमारे लिए चाय और ड्राई एलिमेंट्स का पैकेट, साथ ही बिस्किट का पैकेट। अब मुझे दिख रहा है ये हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आए हैं, देखते हैं क्या है। ये क्या सर्व कर रहे हो आप? कॉर्नफ्लेक्स और दूध। तो सुबह की शुरुआत हुई बहुत ही हेल्दी दूध और कॉर्नफ्लेक्स के साथ। हर सीट से जुड़ी है ये ट्रे टेबल जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। कंपार्टमेंट में लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, बैठने की बहुत जगह है और खाना पीना लगातार चल रहा है। अब आ गया है ब्रेकफास्ट। क्या आया है? पोहा, जो लग रहा था थोड़ा कच्चा। फिर हमें लंच भी मिला था जो भूख न होने के कारण मैंने नहीं लिया था। फिर आया हमारे लिए फ्रूट्स का टोकरा जिसमें थे होल फ्रूट्स। 6:30 घंटे की यात्रा थी, ट्रेन को मुंबई पहुंचना था 1:10 पर ट्रेन पूरी आधा घंटे लेट थी। तो 2200 रुपये में 7 घंटे में हम अहमदाबाद से मुंबई पहुंचे। हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत वेल बिहेव्ड था, लेकिन खाने में वो क्वालिटी नहीं थी। कंपार्टमेंट साफ था तो बाथरूम गंदे थे। रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो स्टाफ सुविधाओं और सफाई में थोड़ा बहुत सुधार तो है, लेकिन फिर भी कोई ट्रेन अगर अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर ही नहीं पहुंचती तो किसी प्राइवेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं।